आपको दिखाया था बियर्डो का ऑयल, ये आप लगा सकते हैं सर पे, जहां पर बाल आपको लगते हैं कि आपके कम हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हल्का सा ऑयल लीजिए और इसकी इसमें मसाज कीजिए। खाली इसकी एक या दो ड्रॉप ही आपको लगानी है, या दो या तीन ड्रॉप। तो इसके लिए ध्यान रखिए कि अगर बाल बड़े होंगे तो ऑयल ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, और जैसे ही बाल अगर कम होंगे तो ऑयल कम लगेगा। तो इसलिए बाल जैसे थोड़े कम ही रखिए जहाँ जहाँ। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पर जैसे बाल कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऑयल की मसाज अगर आप करेंगे वीक में दो बार तीन बार, तो काफ़ी हद तक बाल की ग्रोथ बढ़ती है, और जहाँ खाली खाली एरिया है वहाँ पर भी बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं मोस्ट ऑफली। तो अच्छा है, इजी टू यूज़ है, आप कर सकते हैं हफ्ते में दो बार यूज़। अब मैंने हाथों में ऑयल लेकर यहाँ लगा लिया है दोनों जगह पर। अब यहीं आपको ऐसे थोड़ी थोड़ी मसाज करनी है, और इसको चार या पाँच मिनट तक ऐसे मसाज करनी है यहाँ पर धीरे धीरे हाथों से, और हफ्ते में दो या तीन बार करेंगे तो जहाँ पर बाल कम आ रहे हैं, ग्रोथ कम है, वहाँ पर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। बट दिस हैज़ टू बी डन एट इनिशियल स्टेज ओनली। अगर आपके बाल पूरी तरह से जा चुके हैं तो आप ये यूज़ करेंगे तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शायद ना भी पड़े, 0% ही इफेक्ट। बट अगर इनिशियल स्टेज है तो काफ़ी हद तक बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है इससे। तो गाइस अभी मैंने बालों पे ऑयल लगाया बियर्डो का, जैसे मैंने आपको दिखाया था, फिर मैंने बियर्डो का शैम्पू यूज़ करा इस पर, और अब मैं लगाने जा रहा हूँ इस पर बियर्डो का हेयर सीरम, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि इससे ये लगाने से हेयर में एक तो शाइनिंग आती है, बाल सिल्की होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसके ऊपर आपको ना ऑयल लगाने की ज़रूरत है, ना वैक्स और ना ही जेल। वैसे मैं पहले वैक्स यूज़ करता था लेकिन अब मैं ये यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे यूज़ करना है। इसको ये ओपन किया और इसकी डाली दो ड्रॉप, ओनली टू ड्रॉप्स हम डालेंगे और वही हम लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने इसकी दो ड्रॉप ले ली हैं, ये बिल्कुल लिक्विड, एक वाइट कलर का लिक्विड है, थिक सा लिक्विड, ये हमने लिया है हाथों में और ये हम लगाएंगे अपने बालों पर। तो गाइस ये ले लिया मैंने हाथों में, ये ऐसे लिया और ये बालों पर ऐसे लगा दिया। जैसे कि आप जानते होंगे कि बाल अगर आपके, आपने स्पाइक्स बनाने हैं तो आपको वो चाहिए रहेगा कि या तो ड्रायर यूज़ करें या वैक्स यूज़ करें। आप बिना वैक्स के या मतलब बिना ड्रायर के भी आप देखिए ऐसे कर सकते हैं बाल, लेकिन ड्रायर अगर यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ड्रायर यूज़ करता हूँ इसके लिए, आपके इसके लिए आपके पास वो एक ब्रश भी होना चाहिए, जिससे वो ब्रश मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं, तो मैं अभी काम चलाऊँगा ड्रायर से।
पास बाल हो गए हमारे रेडी, और ना इसमें मैंने वैक्स लगाई है ना जेल का यूज़ किया है। आप चाहें तो वैक्स भी लगा सकते हैं, और खाली ड्रायर का यूज़ करके बाल हो गए हमारे रेडी। तो अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, बाकी तो सब चलता ही रहता है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, जिससे आपको क्लियर रहेगी आपने क्या लेना है, कैसे यूज़ करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो टिल देन, बाय बाय, सी यू, लव यू।